दोस्तों लेकर आ गया हूँ Realme का ठंडा ठंडा कूल कूल कोका कोला एडिशन 10 प्रो 5G मोबाइल, जिसको देखते ही आप समझ गए होंगे कि ये हाइप कितना रियल था। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कोका कोला एडिशन का बॉक्स डिजाइन किया गया है, जिसमें हर जगह कोका कोला एडिशन मेंशन किया हुआ है। इनफैक्ट अगर बैक में देखे तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले मेंशन किया गया है और IPS LCD है, इसलिए AMOLED मेंशन नहीं किया गया है। और इसके बाद इस मोबाइल का जो सबसे बड़ा खासियत है वो 108 मेगापिक्सल का प्रो लाइट कैमरा है, जो कि आपके Realme Pro Plus में भी दिया गया था। ये Samsung का HM6 सेंसर है जो काफी अच्छे रिजल्ट देता है, हम लोग काफी डिटेल्स में इसको कैमरा सेक्शन में देखेंगे। इसके बाद Snapdragon का 695 5G चिपसेट है, जो मिड रेंज में काफी अच्छा काम कर रहा है। बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस का नहीं है, मगर 5G के हिसाब से ये काफी सही चिपसेट है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप देख सकते हैं 5000 mAh के इसमें आपको बैटरी देखने को मिल जाता है 33 वॉट्स के फास्ट चार्जर के साथ। और ऑब्वियसली हम लोग चार्जिंग टेस्ट देखेंगे 0 to 100% कितना देर में चार्ज होता है और टेम्परेचर क्या रहता है मोबाइल का। क्या नाम कोका कोला रख देने से ये ठंडा ठंडा कूल कूल ही रहता है या गर्म होता है, ये हम लोग बहुत डिटेल्स में देखेंगे अपने चार्जिंग टेस्ट में। अब चलिए फटाक से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिल जाता है। बॉक्स को हटाते ही आप देख सकते हैं एक बहुत ही प्यारा सा आपको कोका कोला का बॉटल का शेप का एनवलप देखने को मिल जाता है, जिसको खोलने के लिए यहाँ पर एक फ्लैप दिया गया है। इस फ्लैप की मदद से आप इसको खोल सकते हैं। तो चलिए फटाक से खोलते हैं और देखते हैं कि क्या है इस फ्लैप के अंदर। और ये कि इस फ्लैप में तो काफी सारे स्टिकर्स दिख रहे हैं, मगर ये यहाँ से भी नहीं खुलेगा, तो और कहाँ से खुल सकता है। तो चलिए पीछे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है, हे वेलकम टू रियलमी फैमिली। चलिए यहाँ से खोलने की कोशिश करते हैं। तो ये इसमें से सारे स्टिकर्स को निकाल लेते हैं और देखते हैं कितने सारे स्टिकर्स आपको दिए गए हैं। और लगता है कि बर्बर के स्टिकर दिए गए हैं दोस्तों। इतने स्टिकर्स कौन देता है भाई, आप देख सकते हैं। चलिए इन स्टिकर्स को भी साइड में रखते हैं। और ये बहुत ही खास है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बहुत ही डिस्टिंग्विश्ड नंबर आपको देखने को मिल जाता है 2753। जैसा कि आप जानते हैं इस कोका कोला एडिशन का मात्र 6000 एक्सक्लूसिव मोबाइल ही रियलमी ने डिजाइन किया है और उसको वो बेच रहे हैं, तो इसका नंबर है 2753। हालांकि मुझे लगता है बेहतर ये होता कि इस नंबर को मोबाइल में ही ग्रेव कर दिया जाता ताकि वो हमेशा के लिए एक यादगार बन जाता है, मगर कोई नहीं, इसको भी आप वॉलेट में रख सकते हैं शो ऑफ करने के लिए कि आपका नंबर है 2753। इसको भी अभी साइड में रखते हैं। और ये क्या चीज है, ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और ये कमाल का सिम इजेक्टर टूल का डिजाइन है, देख सकते हैं बिल्कुल कोका कोला के कैप की तरह ये बनाया गया है, जिसमें रियलमी ने कोका कोला को हटाकर अपना नाम दे दिया है। एक खास एडिशन के मोबाइल का यही खासियत है दोस्तों, आपको इस तरह का अतरंगा चीज देखने को मिलता है जो बहुत ही मजा आता है, और आप इसको हमेशा के लिए मेमोरेबल बना के रख सकते हैं। और के बाद हमेशा की तरह आपको जमीन जायदाद के कागजात मिल जाते हैं, जो कोई काम के नहीं है, इसको भी साइड में रख देते हैं। और फाइनली आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको हैंडसेट देखने को मिल जाता है, जिसको भी अभी हम लोग साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर आपको क्या देखने को मिल जाता है। और इसमें एक आपको TPU केस देखने को मिल जाता है, जो बिल्कुल क्लियर ट्रांसपेरेंट कलर का नहीं है दोस्तों, एक ग्रे कलर का आपको दिया गया है, डीप कलर का, जो देखने में काफी अच्छा लगता है। क्वालिटी हमेशा की तरह शानदार है, और अच्छी बात है कि ये बॉक्स के अंदर मिल रहा है, वरना इस छोटे सामान के लिए भी आपको इधर उधर भटकना पड़ता। और इसके बाद उससे भी अच्छी बात यह है कि चार्जर भी आपको बॉक्स के अंदर देखने को मिल रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं 33 वॉट का फास्ट चार्जर सुपरबुक चार्जर आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाता है। और ये कितने देर में चार्ज करेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो के अंत में ही बैटरी चार्जिंग टेस्ट में ही आपको देखने को मिल जाएगा। कमाल की बात यह है कि बॉक्स के अंदर ही आपको एक केबल भी देखने को मिल जाता है, जो एज यूजुअल हमेशा की तरह Type-A to Type-C केबल है। अब चलिए फटाफट से वो कर लेते हैं जिसको करने में बड़ा मजा आता है, यानी चट-चट कर लेते हैं, देखते हैं कितना बढ़िया से ये अनबॉक्स होता है। और ये तो फटाफट से हो गया, चलिए इसको साइड में रख लेते हैं और देखते हैं हैंडसेट कितना बढ़िया और खूबसूरत दिख रहा है। आप देख सकते हैं बैक में इसका सबसे कमाल का चीज है, जो इसमें 70-30 डिजाइन दिया गया है, रेड में कोका कोला लिखा गया है, ब्लैक में रियलमी लिखा हुआ है। और इसका जो दो कैमरा मॉड्यूल है, कितना बढ़िया इस ओवरऑल मोबाइल को लुक देता है। हालांकि इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको भी हम लोग हटा ही लेते हैं। और ये पीछे जो मैट फिनिश दिया गया है, ये बिल्कुल टिन की तरह रिजेंबल कर रहा है, एकदम एक्चुअल कोका कोला का ये डिजाइन लग रहा है। आप देख सकते हैं ब्लैक में कितना बढ़िया रियलमी का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। हालांकि ये पॉलीकार्बोनेट है दोस्तों, इसमें ग्लास नहीं है, मगर जिस तरह का फिनिशिंग दिया गया है, ये लगता है बिल्कुल ग्लास है और काफी प्रीमियम लुक देता है। और कैमरा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया 108 मेगापिक्सल का ये मॉड्यूल है, ये 2 मेगापिक्सल का चिन्नू मुन्नू आपको पोर्ट्रेट कैमरा देखने को मिल जाता है। और अगर साइड की बात करें तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कोका कोला का काफी अच्छा ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाता है। और इस कोका कोला ब्रांडिंग के ऊपर आप देख सकते हैं पावर बटन देखने को मिल जाता है, जो कि फिंगरप्रिंट सेंसर भी है, कैसा काम करता है आगे देखते हैं। साथ में आपको वॉल्यूम रॉकर मिल जाता है, अप डाउन बटन। और अगर इस साइड की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सारा कुछ सफाचट है, सिर्फ सिम ट्रे आपको देखने को मिल जाता है, तो सिम ट्रे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। और इसमें आपको हाइब्रिड सिम देखने को मिल जाता है, यानी आप एक कार्ड एक सिम लगा सकते हैं या दो सिम एक साथ लगा सकते हैं। और मजे की बात यह है कि यहाँ पर आपको किसी भी तरह का गैस्केट देखने को नहीं मिलता है, यानी वाटर से उसका प्रोटेक्शन कैसा है, ये बिल्कुल
बिल्कुल भी अननोन है, इसलिए बेहतर ये होगा कि पानी और डस्ट से इसको दूर रखें, वरना ये जाएगा पानी में और आप जाएंगे सर्विस सेंटर। अब बॉटम की ओर देख लेते हैं, तो आपको इसमें बॉटम फायरिंग स्पीकर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको डुअल स्पीकर मिल जाता है, यानी एक बॉटम में स्पीकर है, एक टॉप में स्पीकर है। साथ में सी टाइप पोर्ट देखने को मिल जाता है डेटा ट्रांसफर के लिए और चार्जिंग के लिए। और उसके बाद आपको प्राइमरी माइक देखने को मिल जाता है और साथ में आपको 3.5 mm का जैक भी मिल जाता है, जो बहुत ही बढ़िया बात है। और अगर ऊपर की साइड देखे तो यहाँ पर आपको टॉप फायरिंग स्पीकर देखने को मिल जाता है ईयरपीस के साथ ही, और साथ में ही आपको सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाता है नॉइज कैंसलेशन के लिए। अब चलिए फटाक से इसको ऑन कर लेते हैं और तब तक स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं कि इस मोबाइल का स्पेसिफिकेशन क्या है। स्क्रीन की बात करें तो 6.72 इंचेस का आपको IPS LCD का पैनल देखने को मिल जाता है। रियलमी के ब्रांडिंग के साथ देखिए पावर्ड बाय एंड्रॉइड ये स्विच ऑन हो जाता है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और साथ में ही आपको 600 निट्स का नॉर्मल ब्राइटनेस और 650 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाता है। हालांकि IPS LCD स्क्रीन है दोस्तों, मगर जो ब्राइटनेस है वो वाकई कमाल का है। तो फटाक से यहाँ पर हम लोग अपना सिक्योरिटी देते हैं, अंदर जाता है और जैसा कि आप देख सकते हैं कोका कोला एडिशन होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको काफी अच्छे अच्छे आइकॉन्स देखने को मिल जाते हैं, खासकर सेटिंग्स का, जिसमें कोका कोला का कैप का ये आइकॉन बनाया गया है। और भी बहुत सारे आइकॉन है, सारे रेड कलर में है। इनफैक्ट अंदर आप जाएंगे तो आप देखेंगे आपको सारा लाल कलर का ही आइकॉन देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही बढ़िया एक फील देता है आपको आपके मोबाइल के बारे में। और अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो आप देखेंगे आपको रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का मिल जाता है। इसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना है, नीचे रिफ्रेश रेट का सेक्शन है, इसमें जाएंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट जो है ये ऑटो सेलेक्ट होता है, यानी ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट करता है कि रिफ्रेश रेट आपके मोबाइल का क्या होगा, जिससे आपका बैटरी बच सके और आपका मोबाइल अच्छा काम करे। मगर अगर आप चाहते हैं 120 हर्ट्ज का स्पेसिफिक रिफ्रेश रेट अपने मोबाइल में रखना, तो बस यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं बिल्कुल मक्खन की तरह आपका फोन हो जाएगा। मगर जैसा कि आपको पता है कि आपका बैटरी भी थोड़ा ज्यादा खाएगा। इसमें फ्रंट में पंच होल कैमरा मिल जाता है 16 megapixel का, एपरेचर 2.45 के साथ, जो कि डिसेंट पिक्चर लेता है। हम लोग डिटेल्स में देखेंगे इसका कैमरा क्वालिटी कैसा है, फ्रंट का भी और बैक का भी। और अगर अभी तक आपने गौर नहीं किया तो आप इसके बेजल को और गौर कर सकते हैं। ऊपर का बेजल देखिए, साइड का बेजल देखिए, 1 mm का बेजल है, यानी कि ऑलमोस्ट नहीं के बराबर आपको बेजल देखने को मिलता है। चिन साइज हालांकि थोड़ा बड़ा है, बट फिर भी ये काफी प्रीमियम फोन को टक्कर देता है और इसमें आपको बिल्कुल भी बेजल नहीं के बराबर नजर आएगा। फ्रंट में ग्लास दिया गया है, मगर कौन सा ग्लास है इसका कोई आइडिया नहीं है। और बैक में जैसा कि मैंने आपको बताया पॉलीकार्बोनेट है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉक स्क्रीन में कितना बढ़िया रियलमी आओ का आपको वॉलपेपर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही कूल लगता है। वेट की बात करें तो मात्र 190 ग्राम्स का ये फोन है दोस्तों, बहुत ही लाइट वेट है। और 8.3 mm का विड्थ है, जो कि नहीं के बराबर है। आपको होल्ड करने में फोन को किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, बहुत ही आसानी से ये होल्ड हो जाता है। और आप देख सकते हैं अगर आप लेफ्ट राइट करते हैं तो इसका व्यूइंग एंगल भी कितना शानदार है। हालांकि इसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको एमोलेड पैनल देखने को नहीं मिलता है। मगर फिर भी ब्राइटनेस की अगर बात करें तो अगर फुल ब्राइटनेस करें तो आप देख सकते हैं कि फुल ब्राइटनेस में आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि ये बिल्कुल भी IPS LCD पैनल है। और बैटरी की बात कर ले तो 5000 mAh का बैटरी मिल जाता है 33 W के फास्ट चार्जर यानी सुपर वुक चार्जर के साथ। मैंने इसमें सिम लगाया है 5G बहुत बढ़िया काम करता है। 4G में भी आपको 4G प्लस और 5G प्लस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कैरियर एग्रीगेशन में बहुत बढ़िया काम करता है। और इसका फायदा ये है कि कॉल ड्रॉप बिल्कुल नहीं होता है, कॉल में काफी अच्छा क्लैरिटी है और डेटा कनेक्शन बहुत ही शानदार है। और 100% 5G बैंड आप में सपोर्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि इसमें 7 5G बैंड्स आपको आउट ऑफ द बॉक्स प्रोवाइड किया गया है। एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो फटाफट हम लोग सेटिंग्स में जाते हैं, इसके बाद अबाउट डिवाइस में जाते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मॉडल और सारा डिटेल्स देखने को मिल जाता है, जिसमें अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे एंड्रॉइड वर्जन आपको 13 देखने को मिल जाता है। तो इसमें जाते हैं, एंड्रॉइड वर्जन पर मल्टीपल टैप करते हैं और ये नहीं किया तो क्या किया दोस्तों, 13 है इसलिए 13, यानी कि एक तो बजाना बनता है और एक जैसे ही बजेगा आप देखेंगे कितना बढ़िया एनिमेशन आपको देखने को मिल जाता है एंड्रॉइड 13 का। और अगर इसमें बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको रैम एक्सटेंशन भी इसमें देखने को मिल जाता है। 8 GB का ये बेस वेरियंट है दोस्तों, हालांकि एक ही वेरियंट 8 GB का इसमें अवेलेबल है। और अगर आप रैम एक्सटेंशन यूज करना चाहते हैं तो बस यहाँ से आपको टैप करना है और आप देख सकते हैं 4 GB, 6 GB, 8 GB तक आप रैम बढ़ा सकते हैं। और आपको लगता है कि रैम एक्सपेंशन का आपको जरूरत नहीं है तो यहाँ से आप स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, मगर हाँ ये है कि आपको मोबाइल को रीस्टार्ट करना होगा। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट इस मोबाइल के दिल की धड़कन की बात कर लेते हैं तो स्नैपड्रैगन का 695 SoC प्रोसेसर इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो ऑक्टा कोर पे बेस्ड है। 2.2 GHz का क्लॉक स्पीड है, 6 nm फैब्रिकेशन वाला ये चिपसेट है और आप जानते हैं ये काफी मोबाइल्स में आ चुका है। डिसेंट परफॉर्मेंस देता है, ना बहुत बढ़िया है ना बहुत खराब है, बीच में ये काफी अच्छा काम करता है। GPU एड्रिनो का 619 इसमें आपको देखने को मिल जाता है। और ऑब्वियसली CPU का बात हो रहा हो तो बेंचमार्क कैसे नहीं देखेंगे, तो जरूर देखेंगे। तो सबसे पहले एंटीटू बेंचमार्किंग देख लेते हैं कि स्कोर क्या निकल के आता है। और
काफ़ी डिसेंट स्कोर देता है। आप देख सकते हैं 4,16,000 के आसपास का स्कोर निकल के आता है, जिसका ब्रेकअप ये है। जो गेमिंग में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा ऐसा लगता है। हम लोग एक्चुअल में भी देखेंगे कि गेमिंग का भी स्टैटिस्टिक्स क्या कहता है। और टेम्परेचर और हीट की बात करें तो आप देख सकते हैं 3% बैटरी जो है वो डाउन हुआ है और ऑलमोस्ट 4 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर है वो बढ़ा था। ठीक इसी तरह से गीक बेंच स्कोर भी देख लेते हैं क्या कहता है। तो सिंगल कोर में गीक बेंच का 693 स्कोर निकल कर आता है और मल्टाई कोर में 2006 निकल गया आता है। और अगर बैक जाए कंप्यूट में तो आप देख सकते हैं जीपीयू में इसका स्कोर 1403 निकल के आता है, जो कि ओपन सीएल का स्कोर है। फटाफट से सीपीयू थ्रॉटलिंग पे भी एक नजर डाल लेते हैं। क्लियरली यहाँ पे दिख जाता है सीपीयू थ्रॉटल टू 79% ऑफ इट्स मैक्स परफॉर्मेंस। इसमें क्लियरली मेंशनड है कि आपको हीटिंग का प्रॉब्लम इसमें आ सकता है, क्योंकि ये जो है सीपीयू को थ्रॉटल कर रहा है। और सीपीयू थ्रॉटल तभी होता है जब सीपीयू का परफॉर्मेंस कम कोई भी मोबाइल तभी करता है जब वो सीपीयू जो है वो हीटअप होता है और मोबाइल बोलता है कि थोड़ा ठंडा करो, यानी कि सीपीयू के परफॉर्मेंस को कम करो। तो ओटीए अपडेट से इसको थोड़ा और कस्टमाइज करना होगा, इसको थोड़ा और फाइन ट्यून करना होगा ताकि सीपीयू जो है अच्छा परफॉर्म करे। अब बेंचमार्क स्कोर के बाद हम लोग देख लेते हैं गेमिंग के सेटिंग्स में ये कितना बढ़िया परफॉर्म करता है। तो शुरुआत पबजी मोबाइल से ही करते हैं, सेटिंग्स में जाएंगे, इसके बाद ग्राफिक्स एंड ऑडियो में जाएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जब स्मूथ ग्राफिक्स पे आप खेलते हैं तो आपको फ्रेम रेट में अल्ट्रा का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। अल्ट्रा के आगे आपको कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। अगर आप बैलेंस में जाते हैं तो भी आपको अल्ट्रा मिलता है। एचडी में आप जाते हैं तो अल्ट्रा से आप हाई में आ जाते हैं, यानी कि एचडी ग्राफिक्स में आपको हाई फ्रेम रेट का ही सपोर्ट देखने को मिलता है। कोई आश्चर्य नहीं कि आपको एचडीआर ग्राफिक्स देखने को इसमें नहीं मिलेगा, तो फिर एचडीआर अल्ट्रा एचडी और यूएसडी का तो फिर सवाल ही नहीं पैदा होता है। अब चलिए फटाफट से कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल को भी देख लेते हैं कि इसमें आपको सेटिंग्स क्या देखने को मिल जाता है। तो सेटिंग्स में जाएंगे, ऑडियो एंड ग्राफिक्स में जाएंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्राफिक क्वालिटी में आपको लो, मीडियम, हाई, वेरी हाई का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। मगर वेरी हाई के ग्राफिक क्वालिटी में फ्रेम रेट ऑटोमेटिकली आपका वेरी हाई हो जाता है। अगर आप मैक्स चाहते हैं फ्रेम रेट तो आपको हाई ग्राफिक क्वालिटी पे ही प्ले करना होगा। तो चलिए दोस्तों चार्जिंग टेस्ट कर लेते हैं हमारे इस रियलमी 10 प्रो ठंडा कूल कोका कोला एडिशन मोबाइल का। बॉक्स में ही दिए गए 33 वॉट के फास्ट चार्जर के साथ, जिसको सुपर बुक चार्जर कंपनी ने कहा है, और उसी में दिए गए केबल के साथ। और नियम तो आपको बिल्कुल पता ही है, ये चार्जिंग टेस्ट करेंगे हम अपने एमटीजी स्टाइल में और देखेंगे टोटल कितने समय में ये रियलमी 10 प्रो मोबाइल 100% चार्ज हो जाता है। और हमारे पास है ये टेम्परेचर गन, जिससे हम लोग मोबाइल का टेम्परेचर थ्रू आउट चार्जिंग देखते रहेंगे कि कितना बढ़ता है कितना घटता है। फिलहाल आप देख सकते हैं कि बॉटम में ये 29.5 के आसपास है और टॉप में ये 29.6 के आसपास है। और हमारे इस मोबाइल की बैटरी पूरी तरह से ड्रेन्ड है, अभी आपको 2 मिनट में पता चल जाएगा जब मैं इसको स्विच ऑन करूंगा चार्जिंग के बाद। और यहाँ आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये जो चार्जिंग टेस्ट है ये रूम टेम्परेचर पे हो रहा है, किसी भी तरह का एसी, फैन या ब्लोअर नहीं चल रहा है। तो अब मैंने स्विच ऑन कर दिया है, आप देख सकते हैं कि रियलमी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है, यहाँ टाइमर भी तुरंत से स्टार्ट कर देते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हमेशा की तरह हम लोग 1 से 2 मिनट तक इस मोबाइल को चार्ज करने की कोशिश करेंगे ताकि थोड़ा बहुत बैटरी में जूस आ जाए और उसके बाद हम लोग इसको स्विच ऑन करेंगे। हालांकि इतना पेशेंस रियलमी में दिख नहीं रहा है, मेरे को लगता है कि ये स्विच ऑन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और देखिए स्विच ऑन हो चुका है, हम लोग जल्दी से पैटर्न दे देते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये बूट हो चुका है और 1% अभी चार्ज ये हुआ है। तो हम लोग वापस आएंगे 5 मिनट के बाद, देखेंगे कितना परसेंट बैटरी चार्ज हुआ है, टेम्परेचर क्या है इस मोबाइल का, और हर 10 मिनट पे हम लोग चेक करेंगे कितना परसेंटेज बैटरी चार्ज हो जाता है और इसका टेम्परेचर कितना बढ़ता है घटता है और कितना फोन गर्म होता है। क्योंकि ये कोका कोला एडिशन है दोस्तों, इसलिए ठंडा कूल होना चाहिए, क्योंकि ठंडा मतलब कोका कोला। अब चलिए पूरे 5 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं कितना परसेंट बैटरी चार्ज हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि 10% बैटरी जो है वो चार्ज हो चुका है। हम लोग सेटिंग्स के बैटरी में जाकर देख लेते हैं और यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं सुपर बुक चार्जिंग जो है वो इनेबल्ड है, यानी बहुत ही फास्ट चार्जिंग है। देखना है कि 100% कितना देर में चार्ज हो जाता है और साथ में ही टेम्परेचर कितना बढ़ा है। तो 29 से आप देख सकते हैं टेम्परेचर बढ़कर 36.7 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। और बॉटम की बात करें तो यहाँ थोड़ा घटा है और 34 डिग्री के आसपास है। पूरे 10 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं कितना परसेंट बैटरी चार्ज हुआ है। तो आप देख सकते हैं 17% बैटरी चार्ज हो चुका है। और टेम्परेचर की बात कर ले तो अभी टॉप का टेम्परेचर आप देख सकते हैं बढ़कर ऑलमोस्ट 36.4 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। और बॉटम की बात करें तो यहाँ थोड़ा कम है, 34 डिग्री के आसपास है। चलिए पूरे 20 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं कितना परसेंट बैटरी चार्ज हुआ है। तो 31% बैटरी चार्ज हो चुका है। और टेम्परेचर की बात कर लेते हैं तो टॉप में आप देख सकते हैं टेम्परेचर हल्का बढ़ा है, 36.8 डिग्री के आसपास है। और बॉटम की बात करें तो यहाँ भी हल्का बढ़ा है, 34.4 डिग्री के आसपास है। पूरे 30 मिनट यानी आधे घंटे हो चुके हैं, देखते हैं कितना परसेंट बैटरी चार्ज हुआ है। तो 46% बैटरी चार्ज हो चुका है।
टेम्परेचर की बात कर लेते हैं तो टॉप में आप देख सकते हैं टेम्परेचर बढ़कर 38 डिग्री के आसपास पहुंच गया है, और यहीं बॉटम की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ भी हल्का बढ़ा है, 36 डिग्री के आसपास है। चलिए पूरे 40 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं कितना परसेंट बैटरी चार्ज हुआ है। तो आप देख सकते हैं 61% बैटरी चार्ज हो चुका है, और टेम्परेचर की बात कर लेते हैं तो टॉप में आप देख सकते हैं टेम्परेचर अभी 38.4 डिग्री के आसपास है, और बॉटम की बात करें तो यहाँ भी हल्का बढ़ा है, 37 डिग्री के आसपास है। अभी पूरे 50 मिनट हो चुके हैं, देखते हैं कितना परसेंट बैटरी चार्ज हुआ है। तो आप देख सकते हैं 73% बैटरी चार्ज हो चुका है, और टेम्परेचर की बात करें तो टॉप में टेम्परेचर अभी 38 डिग्री के आसपास ही मेंटेन्ड है, और बॉटम की बात करें तो यहाँ भी टेम्परेचर ऑलमोस्ट 36 डिग्री के आसपास मेंटेन्ड है। चलिए पूरे 1 घंटे यानी 60 मिनट हो चुका है, देखते हैं कितना परसेंट बैटरी चार्ज हुआ है। और यहाँ आप देख सकते हैं 80% बैटरी चार्ज हो चुका है। टेम्परेचर की बात कर ले तो टेम्परेचर अभी टॉप में घटना शुरू हो चुका है, 35.5 डिग्री के आसपास है, और बॉटम की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ भी अब टेम्परेचर घटना शुरू हो गया है, 35 डिग्री के आसपास है। दोस्तों पूरे 1 घंटे 10 मिनट यानी 70 मिनट हो चुके हैं, और देखते हैं कितना परसेंट बैटरी चार्ज हुआ है। तो आप देख सकते हैं 91% बैटरी चार्ज हो चुका है, और टेम्परेचर की बात कर ले तो आप देख सकते हैं टॉप में टेम्परेचर घटकर 34.7 डिग्री के आसपास आ गया है, और बॉटम की बात करें तो यहाँ भी अभी घटकर 33.7 डिग्री के आसपास आ गया है। चलिए पूरे 80 मिनट यानी 1 घंटा 20 मिनट हो चुका है, और देखते हैं कितना परसेंट बैटरी चार्ज हुआ है। तो 98% बैटरी चार्ज हो चुका है, और टेम्परेचर की बात कर ले तो टॉप में आप देख सकते हैं टेम्परेचर अब घटना शुरू हो चुका है, 34 डिग्री के आसपास है, और वहीं बॉटम की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं टेम्परेचर घटना शुरू हो चुका है, और 33 डिग्री के आसपास है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं 1 घंटे 24 मिनट में 100% बैटरी चार्ज हो चुका है, और अभी समय है फाइनल टेम्परेचर चेक का, तो टॉप में आप देख सकते हैं 35 डिग्री के आसपास है, और वहीं बॉटम की बात करें तो यहां घटकर 34 डिग्री के आसपास टेम्परेचर मेंटेन्ड है। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये अनबॉक्सिंग वीडियो, चार्जिंग टेस्ट, ओवरऑल एक्सपीरियंस, परफॉर्मेंस और एंटूटू गीकबेंच का स्कोर और गेमिंग ग्राफिक्स के सारे सेटिंग्स को देखने के बाद आप बिल्कुल डिसाइड कर पा रहे होंगे कि आपको ये फोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। अगर ये आपके लिए फायदेमंद था, अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी ये पता चल सके। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो बहुत जाती है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि जब भी हम ऐसे ऐसे नए वीडियोज अपने चैनल पर डालें आप तुरंत उसको देख सकें। और वैसे भी अभी कैमरा टेस्ट, टिप्स एंड ट्रिक्स, गेमिंग रिव्यू और बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इन सारे वीडियोस का आनंद उठाइए। तो फिलहाल वीडियो में बस इतना ही था, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।